क्या आप भी मोहाली में एक 3 BHK ढूंढ रहे हैं, वो भी 80 लाख के नीचे? तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको एक ऐसी ही बेहतरीन जगह पर। तो वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आई एम योर होस्ट प्रीत और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन अफोर्डेबल और प्रीमियम 3 BHK। आज मैं आपको उसी से रूबरू करवाऊंगी। सोसाइटी की अगर बात की जाए तो ये एक गेटेड सोसाइटी है विद 24 आवर्स CCTV सर्वेलेंस, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पावर बैकअप टू द एंटायर सोसाइटी, एज वेल एज अ क्लब हाउस इंक्लूडिंग इंडोर गेम्स, जिम्स, बैंक्वेट हॉल एंड अदर एमेनिटीज। सोसाइटी के अंदर ही आपको आधे एकड़ का ग्रीन बेल्ट विद जॉगिंग ट्रैक प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आपके डेली नीड्स के लिए आपको 3 यूटिलिटी स्टोर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बात की जाए अगर पार्किंग की तो यहाँ पर आपको कवर्ड पार्किंग स्पेस मिलेगी जो कि पिलरलेस होगी, जिससे आपकी पार्किंग और भी स्पेशियस लगेगी। अगर इस प्रोजेक्ट के लोकेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट सेक्टर 92 मोहाली में पड़ता है, DPS स्कूल के एडजॉइनिंग। इसकी प्रेजेंट कनेक्टिविटी राधा स्वामी सत्संग भवन से होते हुए जब हम जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मोहाली की तरफ आते हैं तब ये प्रोजेक्ट उस लोकेशन से अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर इसकी प्रेजेंट कनेक्टिविटी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट लांड्रा रोड से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर से डायरेक्ट अप्रोचेबल है। और अगर इसके फ्यूचर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट PR6 रोड जो कि एयरपोर्ट रोड को बाइसेक्ट करती हुई लांड्रा रोड को जाएगी, उस रोड से इस प्रोजेक्ट की डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है। वहीं फर्दर ट्रेडिशनल कॉम्प्लेक्स के सामने जो PR11 रोड है वो भी इस प्रोजेक्ट के पास से ही निकलेगी। और इसी के साथ एक 100 फीट वाइड रोड कनेक्टिंग एयरपोर्ट रोड टू करट लांड्रा रोड नियर फतेहबुर्ज निकलेगी। ये स्टिल प्लस 4 विद लिफ्ट का कॉन्सेप्ट होगा, जिसके साथ 4th फ्लोर पे आपको अप्रोक्सीमेटली 60% की रूफ राइट्स भी दी जाएंगी। और यहाँ पर 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स अवेलेबल है जिसकी पोजेशन भी आपको जून और जुलाई तक दी जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट राइट इनटू द टूर। ये 3 BHK आपको 1680 स्क्वायर फीट के सुपर एरिया में मिल रहा है, जहाँ पर आपको 3 बेडरूम्स, 3 वॉशरूम्स, ड्रॉइंग, डाइनिंग, किचन विद स्टोर मिल रहा है। तो अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। इसके डोर फ्रेम्स और वुडवर्क सारे टीक वुड के बने हुए हैं एंड दे आर फिनिश्ड विद मेलमाइन पॉलिश। डिजाइन और सीलिंग जैसे आप देख सकते हैं एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी विद LED एज वेल एज एम्बियंट लाइट्स। फ्लोरिंग्स जैसे आपको दिख रही हैं यहाँ पर डबल चार्ज विट्रिफाइड टाइल्स लगाई गई हैं, जिसकी साइज 32x64 है, जो कि पूरे घर में लगाई गई है। आपको वॉशरूम्स में भी 32x64 की डिजाइनर टाइल्स प्लस मेटल स्पेसर दिया जा रहा है। सारे वॉश बेसिन काउंटरटॉप होंगे, कोलर की फिटिंग्स होंगी और सारे फॉसेट्स वॉल माउंटेड हैं। तो अब हम खड़े हैं इसके मास्टर बेडरूम में। एक बहुत ही कन्वीनियंट चीज ये है कि तीनों बेडरूम्स में आपको साथ ही साथ अटैच वॉशरूम्स दिए जा रहे हैं। सारे बेडरूम्स में आपको वार्डरोब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर वार्डरोब्स की कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो ये HDHMR बोर्ड में बनाए गए हैं। इनर एंड आउटर लैमिनेट्स यूज किए गए हैं 1mm माइका के साथ और इसमें आपको ड्रॉज और बाकी सेक्शंस भी प्रीमेड मिलेंगे। घर के सबसे जरूरी हिस्से की जो कि है हमारा किचन। किचन आपका मॉड्यूलर रहेगा, साथ में आपको प्यारा सा ग्रेनाइट का काउंटरटॉप यहाँ पर दिया जा रहा है जिसके नीचे एक प्रॉपर कंक्रीट के स्लैब से पहले कवर किया गया है। किचन में इनॉक्स जैसे प्रीमियम ब्रांड का यूज किया गया है अलोंग विद सॉफ्ट टचेस। साथ ही साथ आपको चिमनी के लिए एग्जॉस्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक गैस लाइन दी जा रही है जो कि आपके किचन के काउंटरटॉप के बीचों बीच दी गई है और इसको आपके नियरेस्ट बालकनी के बाहर छोड़ा गया है। एसेंस 304 ग्रेड का यहाँ पर डबल सिंक लगाया गया है जिसके फॉसेट्स रोटेटेबल हैं विद अ हॉट एंड कोल्ड वाटर अवेलेबिलिटी। UPVC आपको कॉमन लिंक जो कि एक जर्मन ब्रांड है उसकी दी जा रही है। विंडोज आपके टफन ग्लास के साथ साथ मेश डोर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त छोटी से छोटी बातों का ध्यान दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल AC की सारी प्रोविजन आपको करके दी जा रही है। इसकी कॉपर पाइप हर पॉइंट से घर की बैक साइड की बालकनी तक अंडर रूफ करके दी गई है एंड द AC स्ट्रेन वाटर इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ अंडरग्राउंड। 4mm की आपको वायर थिकनेस दी जा रही है विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द वायरिंग एस्पेक्ट। वायरिंग आपको हैवल्स की दी जाएगी और स्विच गियर्स आपके LNT के प्रोवाइड किए जाएंगे। And that's it folks. Thank you so much for joining us today and don't forget to like, share and subscribe for more exciting content. Let us know what your favorite part of the video was and feel free to comment down below for any further details. Until next time.